आज आप लोगों का नेक्स्ट क्लास मैथ का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोग माई प्लस पॉइंट वाली बुक में नए नंबर को लिखना जानेंगे, है ना। माई प्लस पॉइंट आप लोगों का कोर्स बुक है, जिसमें आप लोग नए नंबर को लिखना जानेंगे। देखिए, अब तक आप लोगों ने 8 नंबर को पहचान भी लिया होगा, उसको लिखना भी सीख लिया होगा, है ना। ये नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 8 लिखना बताया था, पेज नंबर 16 एंड पेज नंबर 17 में होमवर्क भी दिया था। आज की क्लास में आप लोगों को 9 लिखना बताऊंगी, पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19 में। ये आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा आज का। तो देखिए, यहाँ 9 है, तो 9 यहाँ पर कितनी उंगलियाँ हैं देखिए, तो 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 9। तो ये क्या हो गया, 9 उंगलियाँ हो गया सभी मिला के, है ना। दोनों हाथ की फिंगर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये 9 फिंगर बन गया यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसको गिनते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये कितना पिक्चर है पूरा, ये 9 है ना। अब यहाँ देखिए, राइट द नंबर नाइन यहाँ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ देखिए 9 किस ढंग से लिखना है, इस ढंग से पहले हम लोग एक गोल सर्किल को इस ढंग से मिला लेंगे, है ना। इसको नीचे तक लिख लेंगे, ये क्या बन गया, गोल सर्किल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ये नीचे तक पहुँचा देंगे, ये क्या बन गया, 9। देखिए ये क्या बन गया, 9। देखिए मैं बना रही हूँ, ये क्या बन रहा है, 9। देखिए बच्चों, ये क्या बन रहा है, 9। तो ये पेज नंबर 18 में है ना, जिसमें आप लोगों को 9 बनाना है। कुछ डॉट है, कुछ ब्लैंक जगह है, जिसमें आप लोगों को इस ढंग से, यहाँ से देखिए ब्लैंक जगह में मैं बना रही हूँ, इसी ढंग से गोल करते हुए ये देखिए 9 बना दिया ना मैंने, ब्लैंक जगह है यहाँ पे 9 ही बनाना है, देखिए बना दिया। इसी ढंग से आप लोगों को यहाँ खुद से 9 बनाना है, बन गया 9। आप पेज नंबर 19 में भी 9 ही बनाना है, यहाँ देखिए डॉटेड है, डॉटेड को मिलाएंगे इस ढंग से 9, जैसे पेज नंबर 18 में हम लोगों ने 9 को बनाया था, उसी तरह 19 में भी 9 के डॉट को हम लोग मिलाते हुए 9 बना लेंगे, है ना। और नहीं सिंपल ढंग से अगर बनाना है तो एक लंबी लाइन इस ढंग से हम लोग खींच लेंगे, इस ढंग से ऐसे गोल कर लेंगे, बन गया 9, है ना। एक लंबी लाइन ऐसे खींच लेंगे, स्टैंडिंग लाइन, इस ढंग से एक गोल लाइन खींच देंगे तो बन गया 9, कर्व लाइन, है ना। इस ढंग से स्टैंडिंग लाइन खींच लेंगे, एक कर्व लाइन से इसको ऐसे जोड़ देंगे तो बन गया 9। सिंपल तरीका ये हुआ। अब इस ढंग से यहाँ पर पूरा आप लोग 9 खुद से बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, सर्किल ऑल द नाइन्स, सर्किल यानी इस ढंग से सर्किल करना, ऑल द नाइन्स, जितना इस बॉक्स में 9 है उसको इस ढंग से सर्किल करना है, है ना। तो यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ देखिए 9 है ना, तो इसको हम लोग इस ढंग से सर्किल कर लेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ क्या आ गया, 1, फिर यहाँ आया 5 के बाद फिर क्या आया, 1, फिर 2 है और फिर यहाँ 9 आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ इस ढंग से सर्किल कर देंगे, 9 को ही ना सर्किल करने बोला गया है। फिर यहाँ देखिए 8 है, फिर यहाँ 9 आ गया अगेन, तो फिर यहाँ 9 को हम लोग सर्किल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बोला गया है सर्किल ऑल द नाइन्स, मतलब सिर्फ 9 को ही सर्किल करके बताना है और किसी नंबर्स को नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स, काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। काउंट यानी गिनना है, किसको, पिक्चर्स को यानी चित्र को, एंड राइट लिखना है, किसको, द नंबर इन द बॉक्स, किसको लिखना, नंबर, गिन के पिक्चर को लिखना, पिक्चर के नंबर को किस में लिखना है, इन द बॉक्स में, इस बॉक्स में। तो पहले पिक्चर को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो यहाँ हम लोग बॉक्स में क्या लिखेंगे, 9, ये बन गया देखिए 9, हो गया ना। तो आज आप लोगों ने किस चीज़ को, किस नंबर को बनाना सीखा, 9, पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19 में। आप लोगों का ये आज का क्लास वर्क था, है ना। घर में यही चीज, इसी
पेज नंबर में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, घर में अपने से बड़ों की मदद से पेज नंबर 18 और 19 को बनाना है। किस बुक में? देखिए माई प्लस पॉइंट में, कोर्स बुक में आप लोगों को बनाना है 18 और 19 पेज नंबर में। ओके बच्चों, बाय बाय।